नमस्कार, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट, मौसम केंद्र भोपाल। जैसा कि आप सैटेलाइट इमेजरी में देख सकते हैं, सौराष्ट्र गुजरात के आसपास जो पूर्वोत्तर अरब सागर का हिस्सा था, वहां पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन माने चक्रवाती घेरा, साथ में जो उड़ीसा कोस्ट के आसपास एक डिप्रेशन सिस्टम माने इंटेंस जो बेल्ट लो प्रेशर एरिया था वो इंटेंसिफाई हुआ था, और मानसून ट्रफ ये जैसलमेर अजमेर से होता हुआ शिवपुर कला दमोह देन मंडला और उसके बाद ये डिप्रेशन तक बंगाली खाड़ी तक ये फैला हुआ था, और साथ में आफ्शोर ट्रफ पिछले 3-4 दिनों से सक्रिय है, और इन्हीं सब सिस्टम्स के चलते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से थोड़ी बहुत जो नमी आ रही थी पिछले 24 घंटों के दौरान 4 जिलों में रायसेन, विदिशा, छिंदवाड़ा और बालाघाट में भारी वर्षा कहीं कहीं पर, जिसमें सबसे ज्यादा मोहफेड़ तहसील में 101 मिलीमीटर ये वर्षा दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों में ये जो वर्षा की गतिविधियां हैं कि काफी जगह पे स्ट्रेंथन होंगी फर्दर। आप मैप में देख सकते हैं, अगर हम वेदर सिस्टम्स की बात करें तो अभी भी ये जो डिप्रेशन है वो एक्टिव है, हालांकि अगले 6 से 10 घंटों में ये डिप्रेशन जो है कमजोर होकर सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र में बदल जाएगा, और उड़ीसा तथा जो छत्तीसगढ़ के और पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्से हैं वहां से 1 से 2 दिनों के अंदर गुजरेगा। साथ में जो सौराष्ट्र और गुजरात के ऊपर चक्रवाती घेरा है वो अभी सक्रिय बना रहेगा, राजस्थान के मध्य हिस्सों में भी एक चक्रवाती घेरा है, और उससे होकर जो मानसून ट्रफ लाइन है वो डिप्रेशन तक जा रही है। आफ्शोर ट्रफ आप देख सकते हैं पश्चिम भारतीय तट के समानांतर फैला हुआ है, और एक सियर जोन जो गिरिपक्षमाओं का क्षेत्र है वो भी आपका महाराष्ट्र के मध्य और उत्तरी हिस्सों से होता हुआ डिप्रेशन तक सक्रिय है, जिसके चलते हुए जो नमी है वो काफी ज्यादा जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम संभाग, शहडोल संभाग, सागर, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के हिस्सों में, और कहीं कहीं पे ग्वालियर संभाग के हिस्सों में भी ये अपना असर 1 से 2 दिनों तो में दिखेगा। वार्निंग मैक्स के में जाने से पहले, जो अभी फिलहाल चूंकि धान के रुपाई का सीजन चल रहा है, बिजली से जो गिरने से जो खतरे हैं वो हाईलाइट करना जरूरी है। आप देख सकते हैं बेतुल, पांडुना, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ये सभी जिले जो रेड अलर्ट पे रखे गए हैं लाइटनिंग थ्रेट के लिए, आगामी 1 से 2 दिनों के लिए सभी जन साधारण और साथ में खुले में काम करने वाले जो किसान भाई हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए लाइटनिंग से बचने के जो उपाय हैं वो उनको फॉलो करने चाहिए, जबकि पूरा है प्रदेश में लगभग 2 से 3 दिन तक बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। अगले आगामी 5 दिनों के अगर हम पूर्वानुमान की बात करें, खासकर जो वर्षा की गतिविधियां हैं, तो आप मैप में देख सकते हैं जो आज अगले 24 घंटों का है, इसमें मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बैतूल, बुरहानपुर, सीहोर और रायसेन, नर्मदापुरम जिलों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जहां पे अति भारी वर्षा माने 12 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि इनसे लगे हुए दूसरे हिस्से जो उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के हैं वहां पे भारी वर्षा की माने येलो अलर्ट दिया गया है। अगर हम कल की बात करें 21 जुलाई की, तो यह वर्षा की गतिविधियां थोड़ा और बढ़ेंगी जैसे जैसे सिस्टम पास आएगा, और उसके चलते हुए लगभग लगभग पूरा ही जो भोपाल संभाग है, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग और कुछ हिस्से इंदौर संभाग के जो इनसे लगे हुए हैं वहां पे ऑरेंज अलर्ट कंटिन्यू रहेगा, जबकि लगभग प्रदेश के अधिकांश जिलों में जिसमें ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग को छोड़कर लगभग लगभग हर जगह पे येलो अलर्ट माने भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। 72 घंटे की अगर सिचुएशन देखें 22 जुलाई के आसपास, तो जो डिप्रेशन सिस्टम है कमजोर होकर निम्न दाब क्षेत्र में बदल चुका होगा, और रीवा संभाग माने पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के आसपास सक्रिय रहेगा। इसी के चलते हुए मानसून ट्रफ लाइन के जो पैरेलल हिस्से हैं जैसे ग्वालियर संभाग के जिले, सागर संभाग के जिले और जबलपुर संभाग के जिले, ये 22 से 23 जुलाई के बीच यहाँ पे अति भारी वर्षा माने ऑरेंज अलर्ट इनकी चेतावनियां जारी की गई है, जबकि जो सौराष्ट्र के ऊपर चक्रवाती घेरा है उसके परसिस्टेंस होने के कारण इंदौर संभाग के जो गुजरात से लगे हुए हिस्से हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, कुछ हिस्से इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर के, यहाँ पे भी ऑरेंज अलर्ट D4 और D5 में माने 72 घंटे बाद भी जारी रहेगा, जहां पे भारी से अति भारी वर्षा माने 8 से 10 सेंटीमीटर, कुछ कुछ जगहों पे 12 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आगामी 24 से 36 घंटों के लिए जो मध्यम स्तर का फ्लैश फ्लड रिस्क माने निचले इलाकों में पानी भरने और कम समय के लिए जो बाढ़ का खतरा है वो देखा जा सकता है, खासकर बालाघाट के दक्षिणी हिस्सों में, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुना, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा के कुछ दक्षिणी हिस्से, सागर के दक्षिणी हिस्से, साथ में हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, इनके भी जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पे भी निचले स्तर पर जल भराव की समस्या देखी जा सकती है, जहाँ पे जनसाधारण को बाढ़ से जो बचने के उपाय हैं वो उनको कर लेने चाहिए और किसी भी तरीके की लापरवाही करने से बचे। धन्यवाद।